हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विद। आज हम बात करने वाले हैं फिर से सेक्शन हटके। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सेक्शन हटके के अंदर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो आप सभी का काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, तो इसी तरह प्यार दिखा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने स्मार्टफोन अगर खरीदना है 30,000 की प्राइस रेंज तक, तो हमने कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो सबसे बढ़िया स्मार्टफोन्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अभी मैंने बनाए 3 प्राइस के सेक्शंस, 10,000, 20,000 और 30,000। तो 10,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको फ़ोन लेना है, काफ़ी अच्छी ऑफरिंग अगर आपको चाहिए, तो वो देता है रेडमी का नोट 8। तो रेडमी नोट 8 अपने साथ कुछ अपने ही अलग से फीचर लेके आता है, जिसके अंदर है सबसे बढ़िया फीचर जो कि उसका फुल HD डिस्प्ले, जो कोई और कंपनी ऑफर नहीं करती है। तो गाइस, अभी जाते हैं हम 20,000 के प्राइस पॉइंट की तरफ। तो 20,000 के बीच में आपको सबसे बढ़िया फ़ोन मिलता है रेडमी का K20, जो कि .19999 अवेलेबल है, मतलब 20,000 का ही फ़ोन है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, पॉपअप कैमरा है, सारे कैमरा उसके रियर कैमराज भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस फ़ोन की बढ़िया बात कि इसके अंदर फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, माफ कीजिएगा, आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है। और अगले प्राइस पॉइंट की तरफ हम जाते हैं 30,000 के प्राइस पॉइंट पर। तो 30,000 के प्राइस पॉइंट पे 3 ऑफरिंग्स है। तो सबसे पहले अगर आपको फ़ोन लेना है तो सबसे पहले ऑफरिंग आपको कंसिडर करनी है, वो है रियलमी का X2 Pro 120Hz के रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 855 प्लस का प्रोसेसर इसके साथ में मिलता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। और फिर दो फोन्स है जो मैं कहना चाहूँगा कि आप कंसिडर डेफिनेटली करें, दो फोन्स हैं फिर आपको कंसिडर करना है, 1+7। तो 1+7 भी काफ़ी अच्छी ऑफरिंग देता है, इसके साथ भी आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर मिलता है। और फिर उसके बाद अगर आपको और थोड़ी कीमत कम चाहिए तो आपको मिलता है रेडमी का K20 Pro। और अभी क्रिसमस का ही है, तो आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स कम कीमत में डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं बात करना चाहूँगा कि इन सब में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो इन सब में से बेस्ट फ़ोन कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम में खामियाँ हो सकती है तो ये तो डिफरेंटली तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फ़ोन्स हैं। तो गाइस, अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी चीज़ें, अगर आपको बेस्ट ब्रांड चाहिए गेमिंग के लिए, तो वो आपको देता है शॉमी। शॉमी के दो फ़ोन्स फ़िलहाल काफ़ी अच्छे हैं, वो है रेडमी का K20 और रेडमी का नोट 8 प्रो। तो शॉमी के जितने भी फ़ोन्स हैं इनके अंदर आपको एक नैनो कोटिंग मिलता है, जो कि थोड़ी बहुत अगर पानी की छींटे आपके फ़ोन के ऊपर आ भी जाती है तो फ़ोन में दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो इसलिए मैं यमा के फ़ोन आपको रेफ़र कर रहा हूँ। तो गाइज, अगले पॉइंट पे जाते हैं हम, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। अगर आपको अच्छा ब्रांड लेना ही है तो फिर आप जाइए सैमसंग के साथ, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस फ़ोन से मत रखना, क्योंकि गेमिंग के बारे में ये फ़ोन थोड़ा लैग हो जाता है। तो सैमसंग का A50 आप मॉडल कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक एवरेज यूज़र हो। तो गाइज, अगले पॉइंट पे जाते हैं कि मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड, तो डेफिनेटली शॉमी है। काफ़ी अच्छी नए नए इनोवेशन अपने फ़ोन के अंदर लेके आता है, नए नए डिज़ाइंस भी ला रहा है। रेडमी की जो पहली वाले डिज़ाइंस थे वो अब हालांकि उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस करके अभी फिर से इंट्रोड्यूस करी है, पॉपअप कैमरा लेके आए, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें यमा अभी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो गाइज, अब आप ये पूछोगे कि सिर्फ 30,000 तक है, क्यों आगे तक क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, अभी हम सब जब मिलके बड़े हो जाएंगे तो और बड़े बड़े प्राइस पॉइंट के फ़ोन भी लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा, क्योंकि क्या पता है कि किसी को अपना जजमेंट लेने के लिए ये वीडियो मदद भी कर दे। और आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि जल्दी से अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर ले।